नमस्कार, मैं हूँ आपकी सरसमीर से। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साईं नेट 24 सेवा लाइव, सच की आवाज। खबर प्रयागराज। मुस्लिम समाज ने जगन्नाथ यात्रा का किया इस्तकबाल। आज बहादुरगंज में हिंदू समाज मुस्लिम सद्भाव मंच द्वारा जगन्नाथ शोभा यात्रा का स्वागत किया गया, जिसमें मुस्लिम भाइयों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जगन्नाथ यात्रा में चल रहे भक्तों को प्रसाद के रूप में देसी घी का हलवा, नींबू का शरबत, पानी पिलाया गया। हिंदू मुस्लिम सद्भाव मंच के अध्यक्ष इरशादुल्लाह ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, यही मेरी सभ्यता है, यही मेरी संस्कृति है, यही मेरी पहचान है। गंगा जमुनी तहजीब, रामचंद्र साहू, मोहम्मद असद जिया, कैलाश गुप्ता, संदीप केसरवानी, मोहम्मद जिया, मुश्ताक अहमद, विकास साहू, हर्ष साहू, आज लोगों ने सहयोग किया। सभ्यता है, यही मेरी पहचान है, यही मेरी संस्कृति है। जिस तरीके से आज जगन्नाथ यात्रा अपनी पूरी शान शौकत से जब बहादुरगंज से गुजरी है, तो हमारे हिंदू भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने उनको प्रसाद के तौर पर हलवा, शरबत और पानी पिलाया। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, ये हमारे मुल्क को सबसे अलग बनाती है। यही सब देखते हुए आज हिंदू मुस्लिम सद्भाव मंच की तरफ से ये आयोजन, हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों ने मिलकर सहयोग हमारे भाई कर रहा है, और यही बेहतरीन खूबसूरत मिसाल पूरे देश के अंदर पहचानी जाएगी, और ये मैसेज पूरे देश में जाए किस तरीके से प्रयागराज में जगन्नाथ यात्रा में मुस्लिम भाइयों ने खड़े होकर शरबत पिलाया और उनको हलवा खिलाया, प्रसाद के तौर पर पानी पिलाया। ये बहुत खूबसूरत मैसेज पूरे समाज के लिए है। इरशादुल्लाह, जगन्नाथ रथ यात्रा हमारे क्षेत्र से निकलती है और 10-12 सालों से हम लोग हलवा, प्रसाद, शरबत, पानी हमेशा पिलाते आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान मिलके करते आ रहे हैं। हम लोग 10-12 साल से हो रहा है, करीब 10-12 साल से हो रहा है, 10-12 साल से हो रहा है, सब साथ मिलकर होता है।